हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू एस कुमार कोचिंग सेंटर। सेवन्थ प्रैक्टिस पेपर्स साइंस का, चलिए शुरू करते हैं। ओनली फुली ग्रीन लीव्स कैन सिंथेटिक फूड फॉर प्लांट्स। केवल पूरी तरह से हरी पत्तियां ही पौधों के लिए भोजन का संश्लेषण कर सकती हैं। फॉल्स, असत्य। सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय काउ। गाय द्वारा सेलुलोज को पचाया जा सकता है। असत्य, फॉल्स। अमीबा हैज सपोर्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा में मृत पोषी पोषण होता है। फॉल्स। द बिल इज स्टोरेड इन स्टोमच, पित्त अमाशय में संचित होता है। फॉल्स। मैरी गो राउंड स्विंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन। मारी गो राउंड झूला आवर्त गति का एक उदाहरण है। सत्य, ट्रू। अमीनो एसिड आर फ्रॉम आफ्टर द डाइजेस्टिव ऑफ डैश कंपोनेंट ऑफ फूड। भोजन के डैश घटक के पाचन के बाद अमीनो एसिड बनता है प्रोटीन के बाद। डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ डैश कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू द डैश सब्सटेंस। भोजन के डैश घटकों को डैश पदार्थों में टूटना पाचन होता है। जटिल, सरल। सरल, कॉम्प्लेक्स। इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स लिखते हैं उसका सिंपल। किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी डैश कहलाती है। चाल। दूरी के मापने की एसआई इकाई क्या है। मीटर। यदि सोनू एक दिन में 12 किलोमीटर चलता है तो वह कितना मीटर चला। इफ सोनू ट्रैवल 12 किलोमीटर इन डे देन हाउ मैनी मीटर इट ट्रैवल ऑन दैट डे। मतलब सोनू एक दिन में 12 किलोमीटर चलता है तो वह कितना मीटर चलता है। किलोमीटर को मिनट और सेकंड में परिवर्तित कीजिए। कन्वर्ट टू 60 आवर्स इनटू द मिनट। पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो उसके भोजन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। पत्तियां। क्या अमरबेल का पौधा एक स्वपोषी है। इस कास्काटा प्लांट एंड ऑटोथर्पी गिवन रीजन। नहीं, अमरबेल का पौधा एक स्वपोषी नहीं है, वह एक परपोषी है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं मिलता। दिन के समय पौधे द्वारा कौन सी गैस वातावरण में ग्रहण की जाती है। विच गैस टेकन अप बाय द प्लांट फ्रॉम द एटमोस्फेयर ड्यूरिंग द डे टाइम। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या सभी पौधे स्वपोषी होते हैं।
कारण बताइए। डू ऑल प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, गिव रीजन। नहीं, सभी पौधे स्वपोषी नहीं होते, जैसे अमरबेल। जिस पौधे में क्लोरोफिल नहीं होता वह स्वपोषी नहीं होते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।